Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about section 224 to section 229. Okay, last section हमने जो पढ़ा था वो था section 223 जो कि था inspector's report. Okay, तो वो जो report थी उसके लिए जो भी actions होंगे वो central government कब लेगी? In section 224. Okay, यानी जो inspector report हमने section 223 में पढ़ी वो central government analyze करेगी और उसके बाद जो भी उसको ठीक लगेंगे एक्शंस, अगर कोई भी पर्सन गिल्टी पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो भी एक्शंस होंगे, उसके सामने जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करनी होगी एंड प्रोसिक्यूट करनी होगी, वो सब सेक्शन 224 में होगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन 224 से, जिसका फर्स्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट. अगर कोई भी पर्सन जो है गिल्टी ऑफ ऑफेंस पाया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कोई भी पर्सन को इन रिलेशन टू अ कंपनी या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट या फिर अदर पर्सन जिसके अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट किया गया है अंडर दिस चैप्टर और वो गिल्टी पाया जाता है ऑफ एनी ऑफेंस फॉर विच ही इज़ लाइबल क्रिमिनली. ओके, यानी क्रिमिनली लाइबल हो रहा है वो, देन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आगे उस पर्सन के खिलाफ प्रोसिक्यूशन कर सकती है, यानी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है उसके अगेंस्ट स्टार्ट कर सकती है. एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नेसेसरी असिस्टेंस दें. ओके, इन कनेक्शन विद द प्रोसिक्यूशन. वाई? बिकॉज क्या होगा, एक कंपनी का कोई भी पर्सन जो गिल्टी पाया गया तो उसके खिलाफ और भी एविडेंस इकट्ठे करने होंगे या फिर और भी कुछ इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी अदर एम्प्लॉयज से, ताकि हम उसके खिलाफ और ज़्यादा अच्छी तरह से लड़ सके. ओके, लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सके उसके अगेंस्ट. ओके, यानी स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी चाहिए होगा, तो असिस्टेंस ले सकती है अदर एम्प्लॉयज़ का और उनकी ड्यूटी है कि वो असिस्टेंस देंगे नेसेसरी जो भी होगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि जो कंपनी है या फिर अदर बॉडी कॉर्पोरेट है वो लाइबल टू बी वाउंड अप है, यानी वो लाइबल है कि उसको वाउंड अप करना पड़ेगा अंडर दिस एक्ट या फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. उसमें वो कंपनी लाइबल है या फिर अदर बॉडी कॉर्पोरेट जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो लाइबल है टू वाउंड अप. तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर ट्रिब्यूनल ने पहले से ही उसको वाउंड अप नहीं किया है देन वो प्रेजेंट करेगी किसके सामने, ट्रिब्यूनल के सामने बाय एनी पर्सन जो कि ऑथराइज्ड किया गया होगा इन दिस बिहाफ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, तो क्या प्रेजेंट करेगी कि वो पेटिशन करे फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट ऑन द ग्राउंड डेट इज जस्ट एंड इक्विटेबल डेट इट शुड बी वाउंड अप. ओके, यानी जो भी रीज़न है उसके रीजनेबल ग्राउंड जो भी है उससे वो पर्टिकुलर कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट जो है उसको वाउंड अप करे, उसके लिए एक पेटिशन. ओके, ये तो फर्स्ट पॉइंट है. नेक्स्ट इज एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 241. 241 ऑपरेशन वाला है तो वो अभी हमने पढ़ा नहीं है तो अभी के लिए स्किप करते हैं. ओके, जैसे ही वो सेक्शन आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिक. एंड द नेक्स्ट इज बोथ, यानी दोनों भी एक साथ रीजन हो सकते हैं. ओके, तो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी अगर कंपनी जो है लायबल है टू बी वाउंड अप. ओके, नेक्स्ट इज इनिशिएशन ऑफ वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स सुओ मोटो, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही वाउंड अप कर रही है. ओके, इसमें है इफ़ फ्रॉम एनी सच रिपोर्ट एज अफोरसेड, यानी वो सेक्शन 223 वाली, इट अपीयर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट डेट प्रोसीडिंग्स और इन द पब्लिक इंटरेस्ट. ओके, यानी पब्लिक इंटरेस्ट के कारण कंपनी जो है या फिर बॉडी कॉर्पोरेट जो है हुज अफेयर्स हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड अंडर दिस चैप्टर फॉर रिकवरी of damages in respect of any fraud, misfeasance या फिर other misconduct in connection with the promotion, formation, management of affairs such body corporate या फिर company या फिर for the recovery of property such of such company या फिर body corporate which has been misapplied या फिर wrongfully retained की गई है, then central government क्या करेगी, may itself bring proceedings for winding up in the name of such company या body corporate. okay, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई रिकवर करने डैमेजेस या फिर कोई भी फ्रॉड हुआ है या फिर मिसफियंस हो रहा है, यानी कंपनी के में किसी भी फॉर्मेशन जो हुआ है कंपनी का वही मिसमैनेज है या फिर फ्रॉडुलेंट तरीके से हुआ है या फिर मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स के कारण कंपनी में जो भी हो रही है वो गलत चीज़ें हो रही है, तो उसके कारण वो जो भी रिकवरी करने के लिए डैमेजेस वो कर सकती है क्या, वाउंड अप सुओ मोटो, यानी अपने आप सेंट्रल गवर्नमेंट खुद. ओके, सेकेंड पॉइंट में कह रखा है कि रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ सच कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट जो कि मिसअप्लाइड की गई है या फिर रॉन्गफुली रिटेन की गई है, तो उस कारण भी. ओके, तो इस केस में क्या कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो खुद ही सारी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकती है अगेंस्ट कंपनी. ओके, फॉर वाइंडिंग अप. नेक्स्ट इज इंडेमनिफिकेशन ऑफ टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी
द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी इंडेमनीफाइड बाय सच कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट अगेंस्ट एनी कॉस्ट और एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय इट इन और इन कनेक्शन विद एनी प्रोसीडिंग्स ब्रॉट बाय वर्चू ऑफ सेक्शन सबसेक्शन थ्री. ओके, सबसेक्शन थ्री कौन सा था? लास्ट वाला जो भी हमने पढ़ा. ओके, तो उसके लिए जो भी कॉस्ट या एक्सपेंसेस लगेंगे वो उस पर्टिकुलर कंपनी को ही बेयर करने पड़ेंगे, यानी इंडेमनीफाई करने पड़ेंगे. नेक्स्ट इज व्हेन फ्रॉड इज वेयर फ्रॉड हैज़ बीन कमिटेड. इसमें क्या कह रखा है कि वेयर द रिपोर्ट मेड बाय एन इंस्पेक्टर, उसमें स्टेट किया गया डेट फ्रॉड टेकन प्लेस इन द कंपनी, ड्यू टू सच फ्रॉड एनी डायरेक्टर KMP अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी या फिर कोई भी अदर पर्सन हैज़ टेकन अनड्यू एडवांटेज या फिर बेनिफिट मिला है उसको, वेदर इन फॉर्म ऑफ एसेट, हो सकता है एसेट उसने कोई ले लिया है फ्रॉड्यूलेंट मैनर में, या फिर कोई प्रॉपर्टी ले ली है, या फिर कंपनी से कैश उठा लिया है फ्रॉड्यूलेंट मैनर में, या फिर किसी और तरीके से उसने बेनिफिट लिया है या फिर अनड्यू एडवांटेज लिया है अपने खुद के लिए, देन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? फाइल कर सकती है एप्लीकेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल फॉर अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स विद रिगार्ड टू डिसऑर्जमेंट ऑफ सच एसेट. ओके, यानी वो एसेट वापस ले सकती है, प्रॉपर्टी या फिर कैश एज द केस में भी. ऑल्सो फॉर होल्डिंग सच डायरेक्टर KMP ऑफिसर और अदर पर्सन लाइबल, पर्सनली भी लाइबल कर सकती है विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी. ओके, यानी उसको पर्सनली भी लाइबल कर सकती है अगर उसने कोई भी अनड्यू एडवांटेज लिया है और अगर उसने बेच दिया है या फिर कोई भी खर्च कर दिया है तो उसको पर्सनली भी लाइबल कर सकती है और वो सारे अमाउंट जो है या फिर एसेट जो है वो रिकवर कर सकती है उस पर्टिकुलर पर्सन से. ओके, ये दे रखा है वेयर फ्रॉड हैज़ बीन कमिटेड में. तो ये था लास्ट पॉइंट, तो ये सेक्शन हमारा कंप्लीट 224. ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 225 जो कि है एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. तो एक हमने पढ़ा था ये एक्सपेंसेस वाला केस 214 में. ओके, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? वो जो था इनिशिएट करने के लिए जो एक्सपेंसेस होते थे इसीलिए हम उससे सिक्योरिटी लेते थे जो भी अप्लाई करता था फॉर इन्वेस्टिगेशन. ओके, बट आफ्टर डैट जो भी इंसिडेंटल मतलब एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसा तो है नहीं जो सिक्योरिटी उसने दी वो उतने ही लगेंगे, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं. ओके, या ऐसा भी हो सकता है सिक्योरिटी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट सो मोटो भी कर सकती है. ओके, एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन, तो इसीलिए ये सेक्शन है बिकॉज इसमें वो एक्सपेंसेस कवर नहीं होंगे जो सेक्शन 214 में हमने देखा था कि सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी लेते थे हम अप टू 25,000. राइट, सो स्टार्ट करते हैं ये वाला सेक्शन को. तो इसमें बेसिकली दे रखा है रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस. ओके, यानी जो भी एक्सपेंसेस होंगे एंड इंसिडेंटल टू एन इन्वेस्टिगेशन बाय इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस चैप्टर अदर देन एक्सपेंसेस जो हमने पढ़े थे सेक्शन 214 में. ओके, जो अप टू 25,000 सिक्योरिटी लेते थे हम. ओके, उसको छोड़ के जो भी अदर एक्सपेंसेस है वो शैल बी डिफ्रेड इन द फर्स्ट इंस्टेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट इंकर करेगी बट आफ्टर डैट वो रिएम्बर्समेंट हो जाएगा. बट कौन करेगा? फॉलोइंग पर्सन्स. ओके, फॉलोइंग पर्सन्स कौन कौन है? जो भी पर्सन कन्विक्ट हुआ है ऑन अ प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड, यानी जो प्रोसिक्यूशन हमने किया था ना लास्ट सेक्शन में 224 में, जो एक्शंस लिए थे उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट, वो कन्विक्ट हुआ था यानी गिल्टी माना गया था, कोई भी ऑफेंस उसने किया था उसके लिए वो गिल्टी पाया गया था, तो कन्विक्ट हो गया वो, अब वो पर्सन ही रिम्बर्स करके देगा वो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस. ओके, या फिर जिसको भी ऑर्डर दिया गया टू पे द डैमेजेस या फिर रिस्टोर कर देगा प्रॉपर्टी इन प्रोसीडिंग्स ब्रॉट. ओके, सिंपल. तो ये था रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस. नेक्स्ट इज रिम्बर्समेंट टू द एक्सटेंट डेट ही मे इन द सेम प्रोसीडिंग्स बी ऑर्डर टू पे, यानी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है जिस भी एक्सटेंट तक उसको रिम्बर्स करना पड़ेगा सैड एक्सपेंसेस वो करने पड़ेंगे एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट कन्विक्टिंग सच पर्सन, जो भी कोर्ट कहेगा वो, या फिर ऑर्डरिंग हिम टू पे सच डैमेजेस या फिर रिस्टोर करके देगा वो प्रॉपर्टी एज द केस में भी. ओके, एनी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जिसके नाम पे प्रोसीडिंग्स हुई है टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट या फिर वैल्यू ऑफ एनी सम प्रॉपर्टी रिकवर्ड बाय इट एज अ रिजल्ट ऑफ सच प्रोसीडिंग्स. ओके, या फिर कंपनी अगर पूरी गिल्टी पाई गई है तो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जिसके नाम पे भी प्रोसीडिंग्स हुई है तो वो जो भी अमाउंट है टू द एक्सटेंट वो उसको रिम्बर्स करना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज वेयर प्रोसिक्यूशन इज इंस्टीट्यूटेड. इसमें कहा गया अनलेस एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन अ प्रोसिक्यूशन इज इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 224 कौन सा था? जो एक्शंस लेते थे हम अगेंस्ट द पर्सन जिसको गिल्टी पाया गया था. ओके, वो चीज़ है. तो इसमें एनी कंपनी
body corporate managing director manager dealt with the by the report of the inspector एंड जो भी एप्लीकेंट्स है फॉर द इन्वेस्टिगेशन 213 में कुछ लोग अप्लाई करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए अप्लाई करते थे कुछ लोग ओके तो उनकी बात की गई है द एप्लीकेंट्स फॉर द इन्वेस्टिगेशन वेयर द इंस्पेक्टर वॉज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 213 टू द एक्सटेंट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे डायरेक्ट ओके सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डायरेक्ट करेगी उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंसिस के रिमबर्स हो जाएंगे ओके नेक्स्ट इज सेक्शन 226 जो कि है वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी एक्सेट्रा नॉट टू स्टॉप इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स ओके यानी कंपनी या फिर रिलेटेड कंपनी या फिर कोई भी कंपनी जिसकी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं यानी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स चल रही है उससे बचने के लिए कंपनी खुद वॉलंटरी वाइंड अप नहीं हो सकती यानी कंपनी के जो मेम्बर्स हैं वो क्या खुद ही वॉलंटरी वाइंड अप नहीं कर सकते कंपनी को सिर्फ इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स से बचने के लिए ओके यानी कंपनी में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो चलती रहेगी और उस टाइम वॉलंटरी वाइंड अप करके इन्वेस्टिगेशन से हम नहीं बच सकते सिंपल सा सेक्शन का ऑब्जेक्टिव ये है ओके तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन को सेक्शन 226 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर मे बी इनिशिएटेड नॉट विदस्टैंडिंग एंड नो सच इन्वेस्टिगेशन शैल बी स्टॉप्ड या सस्पेंड नहीं कर सकते बाय रीजन ओनली ऑफ द फैक्ट दैट एन एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 241 एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ इन केसेस ऑफ ऑपरेशन तो ये मैं बता दूंगा आपको सेक्शन 241 बाद में इसका बहुत जगह रेफरेंस आ गया बट अभी के लिए हम स्किप करते हैं सेक्शन 241 को सो सेक्शन 241 को स्किप करते हैं सेकेंड इज द कंपनी हैज़ पास्ड स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप यानी कंपनी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने क्या पास किया है स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप बट वो नहीं होगा बिकॉज इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स अभी चालू है ओके या फिर एनी अदर प्रोसीडिंग्स फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज पेंडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल यानी ट्रिब्यूनल में अभी पेंडिंग चल रही है ये जो वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स है वो पेंडिंग चल रही है यानी पहले नहीं थी बट पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं था बट पहले इन्होंने कर दिया किस चीज़ के लिए प्रोसीडिंग्स वाइंडिंग अप के लिए और वो पेंडिंग चल रही है बट बीच में इन्वेस्टिगेशन आ गया तो इस केस के लिए एक स्पेसिफिक चीज़ दे रखी है वो क्या है अगर इस क्लॉज के लिए वो पहले से ही पेंडिंग एप्लीकेशन है ट्रिब्यूनल के पास देन इंस्पेक्टर इन्फॉर्म करेगा किसको ट्रिब्यूनल को अबाउट द पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स ओके और फिर जो ट्रिब्यूनल को ठीक लगेगा वो ऑर्डर पास कर देगा ओके एज इट मे डीम फिट नेक्स्ट इज नथिंग इन द वाइंडिंग अप ऑर्डर एब्जॉल्व नहीं कर सकते वो डायरेक्टर या फिर एम्प्लॉय को फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसीडिंग्स यानी उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा जहाँ भी इंस्पेक्टर को जरूरी लगेगा ओके या फिर कोई भी लाइबिलिटी है एज अ रिजल्ट ऑफ फाइंडिंग बाय द इंस्पेक्टर वो भी उससे एब्जॉल्व नहीं कर सकते यानी वो पूरा लाइबल रहेंगे जो भी उनकी लाइबिलिटी है ओके या फिर किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन अगर चाहिए इंस्पेक्टर को उनसे या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो भी हमने पढ़ा है अभी तक डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो उनसे ले सकते हैं इंस्पेक्टर ले सकता है उसके लिए उसको एब्जॉल्व नहीं किया जा सकता ओके सिर्फ वाइंडिंग अप के ऑर्डर के कारण ओके नेक्स्ट इज सेक्शन 227 जो कि लीगल एडवाइजर्स हैं एंड बैंकर्स हैं नॉट टू डिस्क्लोज सर्टेन इंफॉर्मेशन ओके यानी उनको सर्टेन इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी सर्टेन इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है ओके या वो नहीं करेंगे सो स्टार्ट करते हैं इसको छोटा सा ही सेक्शन है नथिंग इज दिस चैप्टर शैल रिक्वायर यानी कोई भी लॉ या सेक्शन इस पर्टिकुलर चैप्टर में रिक्वायर नहीं करता डेट डिस्क्लोजर टू द ट्रिब्यूनल या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर रजिस्ट्रार या फिर इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय लीगल एडवाइजर एनी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन इसका क्या मतलब होता है जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन यानी कम्युनिकेशन जो होती है बिटवीन टू पार्टीज यानी लॉ की नज़रों में वो प्राइवेट है ओके उसको कहा जाता है बेसिकली टेक्निकल टर्म में प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन डेट कैपेसिटी ओके एक्सेप्ट एज रेस्पेक्ट द क्लाइंट नेम या फिर एड्रेस ओके क्लाइंट नेम एंड एड्रेस के अलावा जो भी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होती है बिटवीन लीगल एडवाइजर एंड इस पार्टी या क्लाइंट ये कह सकते हैं उसके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगी वो डिस्क्लोज करने के लिए लॉ या सेक्शन नहीं कह सकता ओके इस चैप्टर में नेक्स्ट इज बाय द बैंकर्स यानी कंपनी के जो बैंकर्स हैं या फिर बॉडी कॉर्पोरेट के या फिर कोई पर्सन के
ऑफ एनी इंफॉर्मेशन एज टू द अफेयर्स ऑफ एनी ऑफ देयर कस्टमर्स, यानी वो कोई भी कस्टमर का अपनी डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं करेंगे अदर देन सच कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट पर्सन। ओके, यानी उस पर्टिकुलर कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट या पर्सन जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके अलावा कोई भी अदर उनके जो भी कस्टमर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ओके, बिकॉज इस सेक्शन में कहा गया है। नेक्स्ट इज सेक्शन 228, जिसमें सिंपल सी एक लाइन दे रखी है कि द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर के जो भी प्रोविजंस हैं शैल अप्लाई मुटाटिस मुटांडिस, इसका मतलब होता है जो भी नेसेसरी चेंजेस है वो करके, टू इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू अ फॉरेन कंपनी। यानी फॉरेन कंपनी का अगर हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है तो वो सारे प्रोविजंस जो हैं वो एज इट इज़ अप्लाई हो जाएंगे, बट कुछ नेसेसरी चेंजेस जो होते हैं जो एप्लीकेबल होते हैं फॉरेन कंपनीज पे वो मुटांडिस मुटांडिस, यानी जो कुछ नेसेसरी चेंजेस है वो करके जो भी बाकी सारे प्रोविजंस हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। ओके, एज इट इज़। नेक्स्ट इज सेक्शन 229, जो कि है पेनल्टी फॉर फर्निशिंग फॉल्स स्टेटमेंट म्यूटिलेशन, यानी ख़त्म कर देना, यानी वो जो इंफॉर्मेशन है उसको हटा देना, डिस्ट्रक्ट कर देना कोई भी डॉक्यूमेंट को, उसके लिए कुछ पेनल्टीज दे रखी है। क्या दे रखा है? कोई भी पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन या फिर स्टेटमेंट के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी इंस्पेक्शन, या फिर कोई भी ऑफिसर या फिर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी या किसी बॉडी को अदर बॉडी कॉर्पोरेट का एम्प्लॉय विच इज़ ऑल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन शैल बी पनिशेबल फॉर अ फ्रॉड इन द मैनर एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 447। यानी सेक्शन 447 में जो फ्रॉड की पेनल्टीज दे रखी है वो अप्लाई हो जाएगी। उस पर कब होगी, उसकी सिचुएशंस क्या क्या है? सबसे पहले वो डिस्ट्रॉय करता है या फिर म्यूटिलेट करता है या फिर फॉल्सिफाई झूठा दिखाता है या फिर कंसील करता है, कुछ छुपाता है, टेम्पर करता है या फिर अनऑथराइज्डली रिमूव कर देता है, या फिर कोई भी पार्टी होता है टू द डिस्ट्रक्शन, यानी डिस्ट्रक्शन हो रहा है और वो साथ में मिला हुआ है उनके, या फिर म्यूटिलेशन या फिर फॉल्सिफिकेशन या फिर कंसीलमेंट टेम्परिंग या फिर अनऑथराइज रिमूवल डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी एसेट्स या फिर अफेयर्स ऑफ अ कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट, कुछ भी ऐसा करता है तो उसको सेक्शन 447 में पेनल्टी लग जाएगी। नेक्स्ट इज मेक और इज पार्टी और टू द मेकिंग ऑफ अ फॉल्स एंट्री इन एनी डॉक्यूमेंट, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें वो फॉल्स एंट्री कर रहा है या फिर वो साथ में है उस पर्टिकुलर पर्सन के जो एंट्री कर रहा है, या फिर कंसर्निंग द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, एंट्री इन एनी डॉक्यूमेंट कंसर्निंग कंपनी का या बॉडी कॉर्पोरेट का कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें एंट्री कर रहा है जो कि फॉल्स है। ओके, यानी झूठी एंट्री कर रहा है, या फिर कोई भी पर्सन उसके जो साथ खड़ा है या फिर साथ दे रहा है उसका, ओके, उसको भी कवर किया गया, तो उस केस में भी उसको सेक्शन 447 में पेनल्टी प्लस इम्प्रिजनमेंट लग जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन विच इज़ फॉल्स और विच इज़ नोन्स टू बी फॉल्स, यानी जो फॉल्स है या फिर उसको फॉल्स जानता है वो फॉल्स है फिर भी वो बोल रहा है, ओके, तो उस केस में भी उसको क्या लग जाएगी? पेनल्टी प्लस इम्प्रिजनमेंट इन सेक्शन 447। ओके,